नमस्कार दोस्तों, आज मैं दिखाने जा रहा हूं अपने बजाज पल्सर एनएस एबीएस मॉडल को और इस मोटरसाइकिल का कंप्लीट रिव्यू भी करूंगा। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल पीसी इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। तो आइए शुरू करते हैं। इस बाइक को मैंने 2018 में परचेज किया था अप्रैल में और एबीएस का फर्स्ट मॉडल है जो मैंने परचेज किया हुआ था। एडवांस बुक करा था इसको, उस समय मेरे को पड़ा था 1,29,000 कैश। अभी इस गाड़ी का प्राइस है 1,48,000, 1,48,000 ऑन रोड इसका प्राइसिंग है। और इस बाइक में मेरे को ये गाड़ी बहुत दमदार है। आप जैसा कि जानते हैं इसका जो टॉर्क है बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। इसका टॉर्क है 18.5 Nm जो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पिकअप है इसका। और इस मॉडल को आप देख सकते हैं NS200 ABS मॉडल है। ABS मॉडल आप यहां देख सकते हैं, मैं इसको आपको ऑन करके दिखाता हूं। यहां पे देखिए ABS का एक सिंगल, हाँ यहां पे देखिए ABS का एक सिग्नल है, यहां पे लाइट है, थोड़ा सा ब्लिंक कर रहा है। तो ये गाड़ी मेरा ABS है सिंगल चैनल। और यहां पे देख सकते हैं ABS का जो सिंगल चैनल है, इसका मतलब कि जो इसका जो फ्रंट ब्रेक है, फ्रंट ब्रेक्स में ये दिया हुआ है डिस्क के साथ। ये जो छोटा वाला डिस्क है ABS के लिए दिया होता है। और इसमें आप देख सकते हैं छोटे डिस्क के लिए अलग से वायर दिया है और ये होस पाइप डिस्क ब्रेक के लिए है। तो ये रहा मेरा ABS का मॉडल। साथ में मैं आपको दिखाता हूँ इसमें और क्या क्या एडवांटेज दिया हुआ है। ये देखिए इसमें कूलिंग फैन दिया हुआ है। इसके अंदर जो इंजन का ऑयल है इसके अंदर आता है और यहीं पे कूल होता है इस चैम्बर में। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये जो है ना कूलिंग फैन है। अगर गाड़ी हीट हो जाता है, ज़्यादा हीट होता है ना, तो यहाँ से, हाँ यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे कूलिंग फैन दिया हुआ है। कूलिंग फैन ऑन हो जाता है और यहाँ पे जो इंजन ऑयल है उसको कूल कर देता है, ठंडा कर देता है। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे कूलेंट डाला हुआ है। मिनिमम और मैक्सिमम के बीच होना चाहिए कूलेंट, नहीं तो ओवरफ्लो कर जाएगा। अगर मैक्स से ज़्यादा आप भर देते हैं कूलेंट को तो ओवरफ्लो होने का चांसेस होता है। तो ये रहा मेरा बजाज पल्सर NS। ये ट्रिपल स्पार्क के साथ है, यानी कि फ्यूल का जो बर्निंग है काफ़ी इफ़िशियंटली जलेगा। फ्यूल काफ़ी इफ़िशियंटली जलेगा तो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, सिंपल सी बात है। यानी ये जो इंजन है काफ़ी इफ़िशियंट है। और इसका जो रियर ब्रेक आप देख सकते हैं, इसमें भी ABS का चैनल दिया हुआ है। सिंगल चैनल है लेकिन फिर भी ये जो इसका जो रियर ब्रेक है इसके साथ भी ABS का अटैच किया हुआ है। हो सकता है सेंस करने के लिए कि ब्रेकिंग, जैसे ABS का मतलब क्या होता है, जो ABS होता है वो सेंस कर लेता है कि ब्रेक को कितना प्रेशर से रोका जाए, मतलब कि ब्रेक कितना प्रेशर से लगाना चाहिए ये गाड़ी ही डिसाइड कर लेगा, ये ABS सिस्टम डिसाइड कर लेगा। इसलिए हो सकता है दोनों पहियों में दिया हुआ है डिस्क ब्रेक के साथ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बाइक मेरे को बहुत पसंद आया। सब कुछ अच्छा है, बजाज ने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन बजाज से एक शिकायत है कि बजाज ये गाड़ी बना तो दिया लेकिन इसके पार्ट्स अवेलेबल नहीं करा पाता है। इसलिए इस गाड़ी को सब कुछ अच्छा है लेकिन ये गाड़ी आप लेंगे तो परेशान हो जाएंगे। अगर कोई पार्ट अगर टूट गया, ख़राब हो गया तो ये आपको मिलेगा ही नहीं, मतलब बिल्कुल परेशान हो जाएंगे। महीनों दिन, दो दो महीना, चार चार महीना आपको परेशानी हो सकता है। बजाज गाड़ियों में यही प्रॉब्लम है कि बजाज की गाड़ियां मैं तो कहूँगा आप लीजिए ही मत, क्योंकि ये लोग पार्ट्स अवेलेबल नहीं कराते हैं। अभी आपको मैं दिखाता हूँ, ये जो फुटरेस्ट है, जो पिलियन फुटरेस्ट है, आप कलर देख सकते हैं थोड़ा सा डिफरेंट आपको दिख रहा होगा। ये कलर देखिए और ये कलर देखिए, ये फुटरेस्ट है ना, मैं कैसे भी मैनेज करके लगवाया, ये टूट गया था तो सेम कलर का मिला ही नहीं। मेरी गाड़ी का जो
आप ध्यान से देखें तो थोड़ा सा वो अलग दिख रहा है, थोड़ा सा शो खराब हो रहा है ना, क्योंकि ये जो फुटरेस्ट है बजाज ने बंद कर दिया। मतलब जो गाड़ी ले लिया है वो तो उसके लिए तो फिर वो वैल्यू नहीं रखता है ना। बजाज अपने कस्टमर को वैल्यू नहीं देता है, आप यहाँ सबूत देख सकते हैं। इस पार्ट को उसने बंद कर दिया है और मेरी गाड़ी का ये नया पार्ट लगा है, ये बिल्कुल गाड़ी से अलग दिख रहा है। तो ऐसा है कि आप लोग बजाज गाड़ी खरीदिए ही मत। इतनी ये तो एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट दिखा रहा हूँ आपको। ये जो है आपको ये बैकलाइट मेरे को लेने में 2-3 महीने लग गया, अवेलेबल ही नहीं करा पाते हैं लोग, पता नहीं किस लिए इनका एजेंसी बना रखे हैं सब। गाड़ी इतनी महंगा दे दिया लेकिन इसके पार्ट्स नहीं मिलते हैं, बताइए। अभी मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ, जो कूलिंग फ़ैन है इसका रिले ख़राब हो गया है। रिले ख़राब होने से जो कूलिंग फ़ैन है काम नहीं करता है, हीटिंग होने पे इंजन को कूल नहीं कर पा रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कूलिंग फ़ैन लगा हुआ है ये ख़राब हो गया है, और रिले के लिए मैं 5-6 महीने पहले से ऑर्डर कर रखा है, आज तक नहीं मिला है। कई सारे एजेंसी को मैंने जाके वहाँ पे फाइंड आउट किया, नहीं मिला। वो तो छोड़िए, ये देखिए जो फर्स्ट ब्रेक है ABS, ये जो फ्रंट ब्रेक है, ये मैं 4 महीने से बिना ब्रेक का गाड़ी चलाया हूँ, 4 महीने से बिना ब्रेक का गाड़ी चलाया हूँ। फ्रंट ब्रेक नहीं था, सिर्फ पीछे वाले जो रियर ब्रेक है इससे मैं काम चला रहा था, इससे काम चला रहा था, क्योंकि मैं इस ब्रेक को लगाने के लिए मैं बहुत कई बार मैंने रिक्वेस्ट किया, एप्लीकेशन जो भी करना था किया, लेकिन आज तक मेरे को इसका जो ABS मॉडल का होस पाइप है नहीं मिला। आइए आपको दिखाते हैं होस पाइप क्या है। ये देखिए इस ब्रेक से सीधे एक पाइप आता है यहाँ से, देखिए ये पाइप जो है ना, ये जो पाइप है, हाँ ये वाला पाइप जो मोटी वाली पाइप दिख रही है, यही होस पाइप है जो बजाज पल्सर 150 सीसी वाली जो डिस्क ब्रेक आता है उसका होस पाइप लगवाना पड़ा मजबूरी में। मुझे अभी तक नहीं मिला है इसका होस पाइप। ये जो होस पाइप लगा है बजाज पल्सर 150 सीसी का, जो नॉर्मल बाइक आते हैं जिनके डिस्क ब्रेक के लिए आता है जो होस पाइप, इसको मैं लगवा के घूम रहा हूँ, मेरा ABS काम नहीं कर रहा है। बिना ABS गाड़ी लिया हूँ, 14,000 रुपये ज़्यादा मेरे को खर्च करना पड़ा ABS की वजह से। और बजाज जो कंपनी है, मतलब कस्टमर को तो कुछ समझता ही नहीं है, एक बार बेच दिया तो मतलब एक तरह से ये लोग क्या है, डिफॉल्टर्स हैं, और कस्टमर को ये लोग ठग रहे हैं, गाड़ियों को बेच देते हैं उसके बाद से आफ्टर सेल सर्विस ये लोग देते ही नहीं हैं। इसका ABS नहीं है, बताइए इस गाड़ी को लेने क्या मतलब है। मैं सिंपल पल्सर ले लिया होता, ABS नहीं लिया होता, 14,000 रुपये खर्च करने की क्या ज़रूरत थी। पल्सर गाड़ी जो है ठीक है, बट इसकी कंपनी जो है ना, मतलब इनका सेल्स और आफ्टर सेल्स सर्विस बिल्कुल ही घटिया है। और मैं तो ये कहूँगा कि कभी आप लोग पल्सर गाड़ियाँ खरीदे ही नहीं, आप लोग यमहा के लिए जा सकते हैं, यमहा का सेल्स सर्विस काफ़ी अच्छा है, आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छा है यमहा का, ये लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग परचेज ना करिए, परचेज करेंगे तो मेरे तरह परेशान रहेंगे, ABS काम नहीं करेगा तो ABS का कोई मॉडल आप लगवा नहीं पाएंगे, कोई भी पार्ट टूटा तो आपको मिलेगा नहीं, फिर आपको मार्केट से घटिया सामान लेके लगवाना पड़ेगा, आपका बाइक ख़राब रहेगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं मेरा फुटरेस्ट, जो पिलियन फुटरेस्ट है ये वाला, ये कलर आप देखिए मैच कर रहा है, ये टूटा नहीं है, गाड़ी के साथ है। अब इस पर आप देखिए, इसका फुटरेस्ट देखिए, ये फुटरेस्ट बिल्कुल अलग है, ये कलर है मेरी गाड़ी का, इस कलर से बिल्कुल डिफरेंट है। तो आप ये समझ सकते हैं जो पल्सर गाड़ी है ठीक है, मुझे अच्छा लगता है, पावर में इसको कोई पीछे नहीं कर सकता है, काफ़ी पावरफुल है, लेकिन बजाज वालों अगर सुन रहे हो तुम लोग तो इतना ध्यान रखो, कस्टमर इस तरह से कस्टमर को तुम लोग चीट ना करो, फ्रॉड ना करो कस्टमर के साथ। और कस्टमर का जो बाइक अगर ख़राब होता है तो उसके पार्ट्स अवेलेबल कराओ,
वरना ज़्यादा दिन नहीं टिक पाओगे मार्केट में, समझे कि नहीं। और भी गाड़ियां हैं जो तुमको पीछे छोड़ देंगी। तो दोस्तों ये रहा मेरा बजाज पल्सर का कंप्लीट रिव्यू, लेकिन आपको इंजन का आवाज़ ज़रूर सुनाऊंगा। चालू करके दिखाता हूँ, आइए। और इसमें एक चीज़ आपको दिखा दूँ, इसमें मुझे एक एडवांटेज मिला, ये है कि आप यहाँ से गाड़ी को ऑन ऑफ़ कर सकते हैं, इंजन को यहाँ से ऑफ ऑन कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर सर्विस का टाइम होता है तो यहाँ पे इसका इंडिकेशन आ जाता है कि हाँ सर्विस कराना है। और इसका दूसरा फ़ायदा है, इसमें आप किलोमीटर चल रहे हैं ना तो आपको स्पीड दिखाएगा, लेकिन ये एनालॉग दे रखा है इसमें, ये थोड़ा सा ओल्ड मॉडल लगता है मुझे, डिजिटल देना चाहिए था, एनालॉग दे रखा है, ठीक है। तो इसमें आपको टॉर्क दिखाएगा, इसका जो मैक्सिमम टॉर्क है 18.5, और जो पावर है इसका, और इसका जो पावर है 24.13 BHP है। तो पावर के मामले में इस गाड़ी को आप अच्छा बोल सकते हैं, रैंकिंग आप देख सकते हैं 5 में 5, लेकिन इसका जो है ना बस सेल्स एंड सर्विस इसका सही नहीं है, इसलिए मुझे ये गाड़ी पसंद नहीं है। और ABS यहाँ पे लिख रखा है, लेकिन ABS काम नहीं करता है, क्योंकि जो हॉर्स पाइप है वो चेंज हो गया है, नॉर्मल बाइक का लगा हुआ है। तो चलिए मैं बाइक को स्टार्ट करके दिखाता हूँ आपको। ये रहा बाइक आपका स्टार्ट हो गया। अब ये देखिए आवाज़ आप सुन सकते हैं, इंजन का आवाज़ देखिए, देखिए अपने आप बंद भी हो जा रहा है, अब ये हालत हो गया इसका। आपको दिखाते हैं यहाँ पे इसका जो साइलेंसर दिया हुआ है, अंडर बेली है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं करता है, लेकिन अगर आप इसका साइलेंसर अंडर वेली दिया हुआ है तो देखने में तो अच्छा लगता है, लेकिन एक प्रॉब्लम होता है अगर सड़क पे ब्रेकर्स हैं या कोई ऊंची ज़मीन से आपको क्रॉस कराना है, या आगे अगर ईंट भी आ गया तो उससे ये लड़ जाता है, लड़ने के वजह से काफ़ी मतलब नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि कई जगह साइलेंसर पिचक गया है, लड़ने के वजह से इसमें डैमेज भी हो सकता है। तो ये चीज़ ठीक है, इट्स ओके, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है।